अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरे चैनल में खुश आमदीद। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। और गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और मैं कोशिश करूंगा आप सबकी रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी पूरी कर पाएंगे। ठीक है गाइस, आज हूँ मैं देखने के लिए कराची स्काई लाइन मोन्टेज एरिया 2019। तो आए मिलकर देखते हैं कराची स्ट्रीट व्यूज की। और ये वीडियो आई थी मुझे रिक्वेस्ट कहती लारा की तरफ से, तो आए मिलकर देखते हैं कि ये वीडियो कैसी है। ओके, कराची स्ट्रीट व्यू। शारा फैसल, ये एरिया में मैं नहीं गया था। क्लिफ्टन सी व्यू के पास मैं गया था, यहां पर मैं यहीं पर गया था, मैं यहीं पर गया था। कराची एक अलग ही जगह है यार। बैरियर टावर, ये जगह नहीं मैंने देखी। बेस्ट व्यू है यार यहाँ पे जो रहेगा तो।
जहाँ पर मेरा एक फ्लैट होता समुद्र की तरफ। ओए होए 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 ओशन टावर क्लिफ्टन क्या बिल्डिंग है कराची में यार ना कर ये ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है वाव यार स्विमिंग पूल हेड ऑफिस एक कबूतर वाला व्यू बहुत अच्छा लगा रोशनियों का शहर यार क्या व्यू निकाल रहा हूं ये एरिया मैंने देखा हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मैं देखा था शायद यार एक बात बताऊं पहले तो कराची स्ट्रीट व्यूज चैनल वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मतलब मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं को थैंक यू अदा करना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही शुक्रिया थैंक यू एक ही होता है यार भूल गया ठीक है कि इतनी आला वीडियो बनाई इन्होंने और इनकी सारी वीडियो देख लो इनके चैनल पे हर वीडियो में कोई ना कोई बात और हर वीडियो को देख के ना आप एक बार हैरान हो जाते हो आपको मजा आ जाता है कि यार कैसी वीडियो बनाते हैं ये लोग और आज की जो इन्होंने जो बिल्डिंग दिखा दी कराची में काश कोई मुझे एक फ्लैट गिफ्ट कर दे कराची के अंदर अगर कोई कराची वाला देख रहा है तो मेरे नाम पे एक फ्लैट कर दो ठीक है बस यार इतनी प्यारी बिल्डिंग है मुझे सबसे प्यारी बिल्डिंग पता कौन सी लगी
वो जो समुद्र के ऊपर नहीं थी, क्या नाम था, तीनों बिल्ड जो तीन बिल्डिंगें बन रही थी अभी नहीं रिसेंटली मुझे देखने दी, मैं भी बताता हूँ। मैंने वो बिल्डिंगें मुझे MRDHA उनकी जो बिल्डिंग है ना वो बहुत अच्छी लगी मुझे। काश मेरा एक फ्लैट वहाँ पर होता जो सी साइड की तरफ होता और मैं वहीं पर बैठा रहता विंडो में और बैठ के हर वक्त इंजॉय करता रहता यार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े वाला। कराची बहुत ही प्यारी जगह है, मैं वहाँ से होके आया हूँ मुझे पता है, और कराची बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे खबरों में ऐसे वैसे दिखाया जाता है। कराची बहुत ही प्यारी जगह है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी बात है, पाकिस्तान को रोशनियों का कहते हैं, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, और वाकई में बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि कराची जैसा शहर पाकिस्तान में कोई और होगा। कराची की अपनी जगह, दूसरे लाहौर की अपनी जगह, हर शहर की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन कराची की भी एक अपनी खासियत है, पाकिस्तान पूरे की अपनी खासियत है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे साथ किसने मिलना है बताओ मुझे, कोई मिल सकता है? कोई भी नहीं मिल सकता। पाकिस्तान के अंदर इतनी की तरक्कियाँ हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि उस्मान भी पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान में उस्मान का एक नाम होगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है, बस प्यार और सपोर्ट देते रहें और बस यही चलता रहेगा, इंशाल्लाह टाइम आएगा उस्मान पाकिस्तान में होगा, ठीक है। और गाइस अगर कोई देख रहा है मेरी वीडियो, अगर किसी को मुझे कोई गिफ्ट अदा कर गिफ्ट देना ना, तो एक फ्लैट ले दो मुझे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मुझे प्यार देना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। बाकी मिलेंगे मेरी दुआ अब मेरी अगली वीडियोस में, दुआ में याद रखिए। और कहती बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रही हो मेरे चैनल को और इतना कुछ, और बस ऐसे ही देते रहो, इंशाल्लाह मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियोस में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर, बाय।